नमस्ते मित्रों, आज से मैं अपने महाकाव्य नवराम गाथा को यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। आज दिनांक 12 फरवरी 2023 दिन रविवार है। मैंने इसे लिखना प्रारंभ किया था 24 अप्रैल 2020 शुक्रवार को। देखते हैं पूर्ण कब तक होता है। मैंने इसे कई खंडों में बांट रखा है, जो कि मुझे लगता है कि 40-40 खंडों तक पहुंच जाएगा मेरा ये महाकाव्य। इसका नाम है नवराम गाथा और आज उसका पहला खंड है जिसका नाम है संदर्भ खंड। बीड़ावादिनी तव ध्यान धरूं, यह काज आज प्रारंभ करूं। हे शब्द संपदा की देवी, आशीष दे इसको पूर्ण करूं। तुलसी रचना मेरा आधार, रामानंद सागर का कार्य। रामायण धारा वाहि के प्रति मैं प्रकट करूं अपना आभार। मेरी काव्य कथा है विश्व विदित, इस कथा से जग भी करे प्रीत। संवत सहस्र हैं बीत चुके, शाश्वत है इसकी रीत नीत। यह कथा व्यथा से भरी हुई, पर सत्य के पथ पर अड़ी हुई। क्षण क्षण विष में संघर्ष भरा, पर सत्य असत्य से नहीं डरा। यह कथा प्रेम से पूर्ण भी है, स्वसीमा में संपूर्ण भी है। यह नैतिक प्रेम पर बल देती, सात्विकता को संबल देती। इस कथा से लक्षित होता है कि प्रेम व्यसन नहीं होता है। यदि प्रेम व्यसनमय हो जाए तो जीवन नाव डुबोता है। दो जनों ने प्रेम व्यसन समझा और प्रेम को मात्र मदन समझा। निज वासना में हो अभिभूत, स्वदेह को काम भवन समझा, अर्थात रावण और शूर्पणखा। वासना बनी थी महाकाल कटे नाशा कर्ण और दसों भाल का। मातुर प्रेम के कारण ही एक नगर पे झपटा काल व्याल। इस कथा में ऐसे नायक हैं जो पवित्र प्रेम परिचायक हैं। पति पिता मातृ व भ्राति प्रेम के निष्कपट निश्चल ध्वज वाहक हैं। इस कथा में स्वामी भक्ति भी है, संसार से त्याग विरक्ति भी है, पर जगत क्षेम हित हेतु यहाँ जग और जन से अनुरक्ति भी है। इस कथा में अति बलवान भी हैं, सत्यव्रत और शील निधान भी हैं, जिनका बल निर्बल का संबल। वे प्राणी धन्य महान भी हैं। कुछ जन हैं ऐसे महाबली, जिनके बल दर्प से धरा हिली। पर हैं अधर्म पथ के गामी, खलुशीलहीन उत्कट कामी। अधर्म में जब बल आता है, अपना प्रकोप फैलाता है, तब नर ही नर पशु बन करके जनमन में त्रास मचाता है। नर में जब पशुता आती है, पहले विवेक खो खाती है। अविवेकी नर की भ्रमित मति मन में दुर्भाव जगाती है। दुर्भावपति दुर्वादपति बन जाता है, जब अंधमति तृष्णा लिप्सा जागृत होती बनता है नर दुष्टाधिपति। दुष्टाधिपति बनकर विपति विकृत करता संस्कृत की गति। निज मन के कलमिष भावों से रच देता है वह अप संस्कृति। एक कथन कह गए मनुस्वामी, मानव स्वभाव है अधोगामी। संस्कृत समाज का कार्य ही मानव को दिखाए मार्ग, वही जिससे मानवता उच्च बने और जड़ता पशुता तुच्छ बने। यदि संस्कृति अपसंस्कृति हो जाए, मानव पशुता में खो जाए, तो इस संसार का क्या होगा, सद्धर्म का कैसे भला होगा। सद्धर्म गया, सब धर्म गया, अधर्म से जग का क्या होगा। सद्धर्महीन दुष्टाधिपति प्रसरित करते निज अपसंस्कृति, संवर्धित करनित अधोगमन करते समाज का चरित्र पतन। मानव स्वभाव अधोगामी है, नर भी पशुओं सा कामी है। वह चाहे उसे अवकाश मिले और अनायास सुखवास मिले। यदि बिन प्रयास सुखवास मिले, वैभव से भरा विलास मिले, तो कितने जन हैं इस जग में जो त्यागे यह सुख जीवन में। रावण जैसा एक दुष्ट हुआ, जो नव संस्कृति से रुष्ट हुआ। अधिपति बन राक्षस संस्कृति का, नवनाश की ओर आकृष्ट हुआ। यह रावण जो कि दशानन था, बल में प्रत्यक्ष पंचानन था। यह रावण अति विद्वान भी था, पर अहंकार का कानन था। रावण अनन्य से उपासक था, नव संस्कृत में शिव ही प्रिय थे। रावणोदेश से प्रतिगामी थे, नव संस्कृत थी नव आस लिए। भारत भूमि बहुत थी विस्तृत, अब पाक बंगदेश थी सम्मिलित। इस विस्तृत समृद्ध क्षेत्र में रह सकती थी नाना संस्कृति। पर राक्षस संस्कृति का अहंकार, जो चाहे बस अपना प्रसार, दूषित कुत्सित उद्देश्य लिए चढ़ आया नव संस्कृति के द्वार। जब मन में मद आ जाता है, वह बुद्धि विवेक पर छाता है, पोषित करता है प्रसार भाव, मन में उन्माद जगाता है।
रावण उन्माद में अंध हुआ, आसुरी सामर्थ्य प्रचंड हुआ, निज संस्कृत का ध्वज वाहक बन उसके प्रसार में मग्न हुआ। जन्मना दशानन ब्राह्मण था, पर राक्षस सा व्यवहार था, वैदिक संस्कृत से मातृ घृणा उसके जीवन का कारण था। विकासवाद बतलाता है बुद्धि के दो निर्धाता हैं, एक वंशागत एक वातावरण, दोनों से बनता बुद्धि भवन। रावण का कारण वातावरण माता का था, राक्षसाचरण कर वंशागति की अति दुर्गति, ब्राह्मण से राक्षस बना रावण। ब्रह्मा के मानस पुलस्त विश्रवा हुए उनके आत्मज रावण, विश्रवा का था बेटा बन बैठा असुरों का नेता। असुरेश बना कोई क्लेश नहीं, साधारण था यह विशेष नहीं, अवनी पर कई अवनीपति थे, रावण का राज्य विशेष नहीं। पर रावण ने यह ठाना था पृथ्वी पर नभ सा छाना था, इस कार्य में जो भी बाधक हों उनका अस्तित्व मिटाना था। रावण कोई सूरवीर नहीं था, वह बस दुर्बल से लड़ता था, जैसे ही सबल मिला कोई लंका का मार्ग पकड़ता था। संभवतः कुछ लोग सहमत न हो, किंतु उदाहरणों से आपको सहमत होना पड़ेगा। ऐसे नाना घटनाक्रम है जिसमें दसमर्दन वर्णन है, बलिलोक को जाना कैलाश उठाना सहस्रार्जुन का मनोरंजन है। वह जब जब मद में चूर हुआ, बल भ्रम क्षण क्षण में दूर हुआ, बाली ने भी उसको पीटा कई मास कांख में था बीता। कितना बलवान था यह रावण, घटनाओं से हम जान गए, खाकर ठोकर 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 निर्लज्ज बड़ा प्रमुदित होकर। निर्लज्ज जब हारा राज्यों से, तब प्रजा को लक्ष्य बना डाला, घुसपैठ कराकर असुरों का संस्कृति को लक्ष्य बना डाला। यह रावण इतना कायर था कि स्किंधा से भी लड़ा नहीं, वह बस लंका का राजा था, लंका से आगे बढ़ा नहीं। वह पाकिस्तान का पूर्वज था, आतंकी जनों का अग्रज था, आतंकों की विविध विधा में वह पाकिस्तान सा व्यापक था। वर्तमान उदाहरण दे दिया है, कोई विवाद उत्पन्न करने का उद्देश्य नहीं है। विंध्य पार के सघन वनों में यत्र तत्र राक्षस रहते थे, और आटविक ग्रामपुरों में रह रह त्रसित किया करते थे। रावण की भी नीति यही थी, दक्षिण वन में निश्चर जाएं, वैदिक पुरियों को नष्ट भ्रष्ट कर नव संस्कृति में संतरास मचाएं। राक्षस नव संस्कृति के बैरी, मदिरा पाई मांसाहारी, पुरग्राम घरों पर टूट पड़े थे अति बर्बर अत्याचारी। जनमानस का संहार किया, वन के घर द्वार उजाड़ दिया, भयभीत मनुज अन्यत्र बसे, ये नरपिशाच अब वहीं डटे। छिप छिप लड़ते रुक रुक चलते, राक्षस दंडक तक पहुंच गए, विंध्य प्यार के सघन वनों में यम सदृश से वे प्रकट भय। रावण के मनुजादों ने मनुजों का यूं संहार किया, मनुजाद का अर्थ राक्षस होता है। रावण के मनुजादों ने मनुजों का यूं संहार किया, नर रुंड मुंड अवशेषों का निज क्षेत्रों में बिखराव किया। दनुजों ने ऐसा कुपुण्य किया, दंडक वन को जन शून्य किया, दंडक से सागर तक अंचल हो चुका था राक्षस अंचल। दंडकारण्य हुआ सैन्य शिविर, वहाँ फैल गया राक्षसी तिमिर, दंडक को केंद्र बना निश्चर, प्रारंभ किए प्रसरण उत्तर। यज्ञ विरोधी राक्षसगण, जनदान विरोधी राक्षसगण, नव संस्कृत के कट्टर शत्रु, नव ज्ञान विरोधी राक्षसगण, नवत्थान विरोधी राक्षसगण, प्रतिनव अभिनव से विकट वैर, अनुसंधान विरोधी राक्षसगण, ऋषिमुनि विरोधी राक्षसगण, गुरु शिष्य विरोधी राक्षसगण, सद्गुण संहारक राक्षसगण, प्रति अवगुण ग्राहक राक्षसगण, अति काम पुजारी राक्षसगण, अति रक्त पिपासु राक्षसगण, सब भक्षण करते राक्षसगण, नव संस्कृति हरते राक्षसगण। बढ़ने लगी राक्षसी घटनाएं, नित नूतन होती सीमाएं, क्या नभ क्या जल थल क्या जल में राक्षस व्यापित सब बीमाएं। नव संस्कृत ने अत्याचार सहा, राक्षसों के सर्व प्रहार सहा, युग युग तक चलता रहा द्वंद, राक्षस शक्ति थी अति प्रचंड। नव संस्कृत अति मर्यादित थी, सीमाओं में अनुशासित थी, सह गई वार प्रतिवार सभी, अस्तित्वहीन वह हुई न कभी। अति अति कर डाला असुरों ने, जन जन को मारा असुरों ने, कोई सदगुण नहीं शेष रहा जिसको न संहारा असुरों ने। कहते हैं जब अति होती है प्रकृति और पृथ्वी रोती है, परिणाम भयंकर होता है जो नव इतिहास पिरोता है। जब अतिकर्मों की अति हुई, मानवता की दुर्गति हुई, अति से मानवता व्यथित व्यथित, अति देख हुई थी थकित थकित।
तब पृथ्वी पर अवतार हुए अचरज पूर्ण सब कार्य हुए, उस युग से लेकर इस युग तक उन कार्यों के जयकार हुए। ऐसी ही दशा अब आई थी विपदा मनुजों पर छाई थी, दस आनन के कुकृत्यों से क्षति करती त्राही त्राही थी। ऐसे में आए श्री राम शारी वसुधा के सुखधाम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम करने सबके पूर्ण काम। दस आनन संहरता राम जन जन के दुख हरता राम, पृथ्वी तारण जय श्री राम जन कष्ट निवारण जय श्री राम। मानवता पालक जय श्री राम, राक्षस कुल घातक जय श्री राम, नरशक्ति प्रचारक जय श्री राम, सद्गुण विस्तारक जय श्री राम। जन जन बसते मेरे राम, कण कण रमते मेरे राम, रोम रोम में मेरे राम, छिति और व्योम में मेरे राम। ये राम नाम की महिमा है, ये राम काम की गरिमा है, सम्मत सहस्त्र हैं बीत चुके पर राम नाम में सुषमा है। यह खंड 10 अगस्त 2020 सोमवार को प्रोड हुआ था। नमस्ते।